हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। गाइस, इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 6, दैट इज मार्केटिंग। बच्चों, आप सभी को पता है बिजनेस स्टडीज की हमारी क्लास चल रही थी। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 जो मार्केटिंग से रिलेटेड था उसे हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग के अंदर कितने फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है और मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। उन्हें हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग इतनी क्यों जरूरी है, कस्टमर के लिए क्यों जरूरी है, सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है और हमारे नेशन के लिए मार्केटिंग इतनी क्यों जरूरी है। ठीक है, अब मार्केटिंग वाले सिलसिले पे तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका था, मगर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो चैप्टर नंबर में 7 में दिया है, जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन। यानी आपको एक बार लगेगा कि मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों के अंदर बात हो रही है प्रोडक्ट को बेचने की या प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड। तो यहां पे आज हम जो शुरू करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन। क्या नाम है? सेल्स प्रमोशन। यानी सेल्स को आपको प्रमोट करना है। प्रमोट करने से मतलब क्या? आपको सेल्स को बढ़ाना है। देखो, प्रमोशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर काम कर रहे हो और एज अ आपको जनरल मैनेजर प्रमोट किया जाए, यानी आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट को बढ़ाया जाए। जब आपकी कंपनी के अंदर कोई पोस्ट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आपका प्रमोशन हुआ है। उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारियां, आपकी सैलरी, आपकी अथॉरिटी, जितनी भी चीज है वो सब भी बढ़ेगी। तो प्रमोशन का मतलब है कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो यहां पे आप किसको प्रमोट करने की बात कर रहे हो? यहां पे आप बात कर रहे हो सेल्स को प्रमोट करने की। किसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं आप? सेल्स को प्रमोट करने की। कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी सेल्स को प्रमोट करती है और सेल्स को प्रमोट करने की जो प्रोसेस है, सेल्स को बढ़ाने की जो प्रोसेस है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन। देखिए, एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल ईयर में अच्छा कर रही होती है और कंपनी ये चाहती है कि वो अपनी सेल्स को इतने परसेंट से या इतनी यूनिट्स के साथ या इतनी वॉल्यूम के साथ क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग तरीके की सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती है जिन्हें वो काम में लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के साथ आपको डिस्काउंट देना शुरू कर देती है, जिसे हम कहते हैं रिबेट या छूट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि अगर आप इस सीजन के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर अगर एक प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो इस समय आपको प्रोडक्ट के ऊपर 30% क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। तो अब क्या होता है, हम लोग एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हम लोग क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज को 30% डिस्काउंट पे परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे परचेज कर लेते हैं। और हमारे परचेज करने से कंपनी की क्या हो जाती है, जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। देखो, अक्सर फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मिंत्रा पे सीजनल सेल्स आती है और आपने उन सीजनल सेल के अंदर देखा होगा कि कंपनियां आपको अलग अलग तरीके के लुभावने ऑफर देती है, चाहे वो एक्सचेंज ऑफर हो, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विसेज का ऑफर हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो बाय वन गेट वन फ्री हो, अलग अलग तरीके के आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं। और हम उन डिस्काउंट्स के लिए या उस ऑफर के एडवांटेज के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। जब आप इवन जोमेटो से कोई आप ऑर्डर बुक करते हैं, फूड का, खाने पीने का कोई ऑर्डर बुक करते हैं, तो जोमेटो भी आपको अलग अलग तरीके के प्रोमो कोड देके ऑफर देता है, जिसके थ्रू जोमेटो की क्या बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है। तो सेल्स प्रमोशन में ऑफर ही नहीं आता बेटा, बहुत सी चीजें आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग जब छोटे थे तो अपने स्कूल के अंदर आप लोगों के यहाँ पे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आते होंगे, जैसे आपको कोलगेट के या पेप्सोडेंट जो आता है, हमारा टूथपेस्ट जो आते हैं, उनके छोटे छोटे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे, ये भी सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपके न्यूज़पेपर या आपके घर पे कोई मैगजीन आती है तो न्यूज़पेपर उस मैगजीन के साथ आपके शैम्पू के पाउच या ऑयल के पाउच जो अटैच होके आते हैं, वो भी किसका तरीका है, सेल्स प्रमोशन का तरीका है, जिसको हम कहते हैं फ्री सैंपल। कस्टमर को फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को जाने और समझे। अगर उस प्रोडक्ट के बारे में वो जान पाया और उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई हुआ तो डेफिनेटली वो हमारे सैंपल के बाद हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, हमारी सेल्स को बढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, सेल्स प्रमोशन वाले चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है कि कंपनी वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको काम में लेके अपनी सेल्स को क्या कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है। तो देखो, सेल्स प्रमोशन करने के लिए कंपनीज ने क्या है, दो लोगों को पकड़ रखा है। एक तो वो डायरेक्ट जो ऑफर है वो देते हैं कंज्यूमर को। किसको देते हैं? कंज्यूमर को, यानी ग्राहक को देते हैं। और दूसरे वो ऑफर देते हैं रिटेलर्स को, या फिर डीलर को, या फिर
होलसेलर को, यानी जो मिडल मैन है ना आपका, जो एक कंपनी से माल लेकर आपको सेल कर रहा है, रिटेलर, होलसेलर, डीलर कोई भी हो सकता है, उन्हें कंपनी क्या देती है, अलग अलग तरीके के ऑफर देती है। तो कंज्यूमर के अंदर जो आते हैं वो होते हैं कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक, और रिटेलर डीलर में आते हैं वो सब होते हैं डीलर सेल्स प्रमोशन टेक्निक। जैसे कंज्यूमर को मैंने आपको कहा कि फ्री सैंपल दिए जाते हैं, रिबेट छूट दी जाती है, उन्हें गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। जैसे दिवाली टाइम पे आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जा रहे हो तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाले ऐसे कहते हैं कि हम आपको एक कूपन देंगे, उस कूपन को आप स्क्रैच करेंगे, जो भी गिफ्ट निकलेगा वो आपको होगा। तो हम उस कूपन को स्क्रैच करने के लिए गिफ्ट के लालच के अंदर उसी शॉप से क्या खरीद लेते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, आपने फेयर्स देखे होंगे, हमारे यहाँ पे मानसौर में एक शू मेला लगता है, शू मेला, और पूरा जयपुर जो शू मेले के अंदर पहुंच जाता है। क्यों? वो एक फेयर है जहां पे आपने सेल्स को बढ़ाने के लिए उस फेयर को रखा है और बहुत से लोग वहां पहुंच के चीजों को परचेज करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे सब टेक्निक्स हमें पढ़नी है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड में। उसके बाद हमारा आएगा जो डीलर सेल्स प्रमोशन, इसमें क्या होता है, जो अलग अलग तरीके के ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसको दी जाती है, डीलर्स को दी जाती है, यानी रिटेलर जो होलसेलर है उन्हें दी जाती है, और रिटेलर और होलसेलर्स को ऑफर देके उनके थ्रू सेल्स को क्या करा जाता है, इनहेंस किया जाता है, सेल को बढ़ाया जाता है। तो वो सब भी किसका पार्ट है, सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। तो सेल्स प्रमोशन का ओवरव्यू सा देख रहे हैं आज, नेक्स्ट क्लास में ढंग से देखेंगे। भाई हमें देखना होगा सेल्स प्रमोशन क्या है, फिर हमें देखना होगा कि कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक कौन कौन सी है, यानी कंज्यूमर को कैसे कैसे तरीके के ऑफर्स दिए जाते हैं, और रिटेलर सेल्स प्रमोशन या डीलर सेल्स प्रमोशन में देखना है कि कंपनी कैसे रिटेलर और डीलर को अलग अलग तरीके के ऑफर्स, स्कीम, प्लान देके अपनी सेल्स को बढ़ाती है। क्लियर है? अब यहां पे मैंने कुछ 6 पॉइंट लिखे हैं, और उन 6 पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश की है कि सेल्स प्रमोशन के पीछे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है इंक्रीज सेल। अगर कोई कंपनी सेल्स प्रमोशन करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका जो सबसे पहला मोटो है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, वो है इंक्रीज सेल। एक कंपनी अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है, तो कंपनी सेल्स प्रमोशन की अलग अलग तरीके की जो टेक्निक्स हैं उन्हें काम में लेती है, और उसके थ्रू वो अपनी सेल्स को इनहेंस करते हैं, अपनी सेल को बढ़ाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट, स्टिमुलेट कस्टमर्स टू मेक परचेज। कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को लुभावने ऑफर देके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करे, परचेज करे। जब हमें भी अलग अलग तरीके के ऑफर मिलते हैं अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट पे, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को परचेज लेने के लिए अपनी तरफ से एक, वो कहते हैं ना, विलिंगनेस, आत्म इच्छा के साथ हम कोशिश करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई सेल्स प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट ले रहा है टू प्रॉम्प्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर। कहने का मतलब है जो कस्टमर पहले से प्रोडक्ट खरीद रहा है हमारी कंपनी का, वो हमारी कंपनी का और प्रोडक्ट खरीदे, और ज्यादा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदे, तो उसके लिए भी सेल्स प्रमोशन होती है। भाई किसी ने हमारी कंपनी का फॉर एग्जांपल ये मार्कर खरीदा, अब इस मार्कर से वो बंदा सेटिस्फाई, और इस बार उसको ये मार्कर 35 रुपीज का ना मिलके केवल 25 रुपीज का मिल रहा है, इस पर 10 रुपीज ऑफ है। तो यार मेरे जैसा बंदा सीधी बात है यार, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये, तो मैं उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर हूं, पहले से हूं, मैं क्या करूंगा, वहां जाके उस प्रोडक्ट को 2 या 3 क्वांटिटी के अंदर और परचेस कर लूंगा। मैं क्या कोशिश करूंगा, 10 रुपए कम मिल रहा है, ऐसा करो 5 मार्कर एक साथ ही ले लो। क्लियर है? टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आई है, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग तरीके की ऑफर से टेक्निक्स को अपनाती है। जैसे हमने देखा होगा जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो उसके साथ आपको बहुत सारी स्कीम से बहुत सारे ऑफर दिए जाते हैं। जैसे पहली बार जब जोमेटो आया, तो जोमेटो ने आपको बहुत सारे प्लान, बहुत सारी स्कीम्स, कूपन वगैरह सब कुछ दिया। क्लियर है? टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए लोगों को, नए कस्टमर को, नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए। एंड टू चेक द सीजनल डिक्लाइन इन सेल। सबसे बड़ा पॉइंट है एक्चुअल में आप समझना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो एसी होता है, फ्रिज होता है हमारा, रेफ्रिजरेटर जिसे हम कहते हैं, कूलर होता है, ये तीनों प्रोडक्ट गर्मियों में ज्यादा बिकते हैं। ठीक है? अब जो इन प्रोडक्ट को बेच रही है कंपनियां, वो जानती है कि उनके प्रोडक्ट कब सेल होने वाले हैं, गर्मियों में सेल होने वाले हैं, समर के सीजन में सेल होने वाले हैं। विंटर में तो कोई भी एसी, फ्रिज और आपका जो कूलर है वो परचेज नहीं करेगा। तो इस समय कंपनियों की सेल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है। तो कंपनियों ने इस सेल की भरपाई के लिए, जब गर्मियां आई थी ना समर, तो समर के अंदर ही सेल्स प्रमोशन टेक्निक करके
और इस सीजन की सेल भी गर्मियों के अंदर ही कर दी थी, तो कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन के थ्रू उन्होंने अपनी सेल्स को क्या रखा, बैलेंस रखा। समझ आई बात है? नहीं आई तो सेल्स प्रमोशन क्या है, ओवरऑल बात की जाए तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की सेल को इनहेंस करते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाते हैं, उसे हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। सेल्स प्रमोशन के अंदर बहुत सारे मेथड्स काम में लिए जाते हैं, उन मेथड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक है कंज्यूमर और एक है आपके डीलर मेथड, ठीक है। इनमें हमें बहुत सारे मेथड्स देखने होंगे। सेल्स प्रमोशन क्यों की जाती है वो मैंने आपको इन 6 पॉइंट से समझाने की कोशिश की है। सेल्स को बढ़ाने के लिए, पुराने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को स्टिमुलेट करने के लिए कि वो प्रोडक्ट को परचेज करें, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और जो सीजनल सेल्स होती हैं उसकी वजह से जो हमारी सेल कम हो रही थी उसकी भरपाई करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन को काम में लेते हैं। देखो मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही था, सेल्स प्रमोशन भी कुछ ऐसा ही, एडवर्टाइजमेंट भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो आई होप कि आप सभी को सेल्स प्रमोशन का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, और इससे पहले जो हमने मार्केटिंग से रिगार्डिंग जो चीजें पढ़ी थी वो सब भी आपको वहां पे समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।